हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, आज है मेरे वेट लूज का थर्ड डे। और गाइस, बीच में कोई चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाती। कल भी मैंने पूरी चीज़ें दिखाने की कोशिश की, जैसे कि आपको पता है भाई, घर से बाहर भी दो बार जाना पड़ा तो थोड़ा सा बिजी भी हो जाती हूँ। लेकिन और आज और अच्छे से दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही कर करके पूरा शेड्यूल में ले आएंगे सारी चीज़ों को। और गाइस, अब तो दो दिन तो मैंने डांस क्लासेस ली थी, उसमें मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो आज योगा की क्लास लेंगे और सेम मैं दिखाती हूँ आप। तो वैसे यहाँ पे मेरी ड्रिंक और ये आलमंड्स, जिनको मैं अभी छील लेती हूँ। सबसे पहले ये लेंगे। और वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, वैसे मैंने अपना वाटर और आलमंड ख़त्म कर लिया है, अभी जा रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि 5 मिनट ज़्यादा ही हो गए हैं, उठने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो दबा के अब करेंगे 7 से 8 एक्सरसाइज। मैं टाइम चेंज करती रहती हूँ गाइस, ज़्यादा थक जाती हूँ तो थोड़ा 1 घंटा लेट कर लेती हूँ, पर करती जरूर। तो आज मेरा थोड़ा लेट है, तो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, मेरी हालत देखो कैसी हो चुकी है, गई बहुत बुरी तरह। 5 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर कुछ काम करते हैं। उसके बाद 9 बजे हम बनाऊँगे पंपकिन का पराठा, आज का जो पेठा होता है कच्चा, उसका पराठा, जिसकी सब्जी बनाते हैं गाइस, उसका पराठा बनाएंगे और वो खाएंगे नाश्ते में। तो अभी 10 मिनट आराम करके फिर कुछ जो भी बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने पेठे का पराठा बना दिया, प्याज वगैरह डाल के और आटा गूंध लिया। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही गूंध लिया, थोड़ा सा पानी निकाल दिया था पेठे का कसने के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बीटरूट है, वो तो मैं पहले दिया ही मम्मी पापा को छील के, ये मैं खुद के लिए यूज़ करूँगी। और साथ में लेंगे कोई भी आप अचार ले सकते हो, रेड चिल्ली, कोई भी जो भी आपका मनपसंद हो, मैं तो ये वाला लूँगी। तो गाइस, ये मेरी 9 बजे की डाइट है। और मैं डाइट में कोई ऐसा नहीं कर रही हूँ कि बिल्कुल इतनी ज़्यादा कुछ खा ही नहीं रही हूँ, खा रही हूँ दबा के, आपको दिख रहा है, और फिर भी हम वेट लूज़ करके मानेंगे, ठीक है। तो अभी मैं खा लेती हूँ अपने पराठे, फिर मिलते हैं। तो गाइस, हम जा रहे हैं गोली का स्कूल देखने, माय बहुत ही पास में है इसीलिए। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं। ग्रीक को देखो, ये बच्चों को देख रहा है, ये छपे हुए ना जो बच्चे उनको देख रहे हैं, देखने भी आ सकती, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। नहीं है बोली। आपको अपने स्कूल कैसा लगा? अम्मा, मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं जितने भी देखे हैं अब तक। अभी एक में और चलेंगे विजिट करने। गाइस, अभी हम ना इतने मुश्किल से निकाल के लाई हूं मैं इस ग्रीक को। बस ना प्रॉपर तरीके से डिटेल में बताओ, तो जो भी चीजें हैं आप अच्छे से बताओ। जैसे कि आपने अभी ये स्किन वाला बताया, तो ये आपका पिगमेंटेशन का था जी? ओके, तो अब आप अपना हेयर का बताओगे। तो हेयर, ये जैसे मेरे हेयर है, इनमें भी शैम्पू हो सकता है ये वाला। मैं हूँ तनिका, आज मैं आई हूँ रेनो जी के पास अपने प्रोडक्ट्स लेकर, जो ये बहुत टाइम से यूज कर रही थी। इन्होंने रिजल्ट देखा और मैंने रिक्वेस्ट करी क्यों ना हम एक ब्लॉग बनाए, सो दैट हम दिखा पाए कि क्या क्या वैरायटी है मेरे पास, राइट? राइट, चलो। सो अब मैं लेकर आई हूँ पिगमेंटेशन किट, जो बहुत ही अमेजिंग है, जिसके सुपर रिजल्ट है। मेरा ब्रांड 4 ईयर्स ओल्ड पुराना है एंड ये वसल स्किन एंड हेयर सॉल्यूशन रजिस्टर्ड ब्रांड है। वी आर हैविंग प्राइवेट लिमिटेड फर्म, आप इसको फॉलो कर सकते हैं वसल स्किन केयर के नेम से, एंड वसल स्किन केयर के नेम से आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा मेरा चैनल। सो बात करते हैं हम एंटी पिगमेंटेशन किट की। अगर बात करें रोज वाटर टोनर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे स्किन केयर का एंड फर्स्ट स्टेप होता है इनिशियल। सो हमें टोनर क्या करना होता है, जस्ट एक स्प्रे करना होता है ऐसे करके, एंड इसको हम एब्जॉर्ब होने देते हैं अपनी स्किन पर अपने आप। डू नॉट टच दैट, टैप करने की जरूरत नहीं है। जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा 2 मिनट्स में अपने आप
उसके बाद हम विटामिन सी सीरम लगाते हैं जो बहुत ही अमेजिंग है। नॉर्मली विटामिन सी सीरम में एस्कॉर्बिक एसिड 5-10% होता है, बट मेरे में 18-20% है जो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। एंड एज पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस अप टू 20% यू कैन यूज दी विटामिन सी सीरम में, इतना आप डाल सकते हो। सो हाईएस्ट उसमें है सो दैट ये आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन हो या फिर आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स, कुछ भी हो, सब पे काम करेगा एंड बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। इसको अगर आप यूज़ करोगे डेफिनेटली आप बार बार ज़रूर ऑर्डर करोगे, बिकॉज दे आर हर्बल। दो टाइप्स के केमिकल्स होते हैं, एक होते हैं प्लांट डिराइव्ड केमिकल्स, एक होते हैं सिंथेटिक केमिकल्स। तो जो हम यूज़ करते हैं वो प्लांट डिराइव्ड केमिकल यूज़ करते हैं जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं लॉन्ग टर्म में भी आपको, एंड धीरे धीरे आपकी आपकी स्किन रिजुविनेट होने लग जाती है। सो दिस इज आर विटामिन सी सीरम। इसको आपको यूज़ करना होता है जस्ट आप एक ड्रॉप यहाँ पे और एक ड्रॉप यहाँ पे लेंगे, उसके बाद आपको मसाज नहीं करनी होती है, सिर्फ टैप टैप करके आपको इसको अपने पोर्स के अंदर एब्जॉर्ब कराना होता है ऐसे करके। एंड ये बहुत ईजीली स्प्रेड हो जाता है और बहुत ईजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल भी चिपचिप आपको फेस पे नहीं लगेगी। यही इसकी USP है, जो बिल्कुल चिपचिप सीरम नहीं है, ये बहुत ईजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं डे क्रीम पर, बिकॉज हमारा क्रीम लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हमारी ये एंटी एजिंग डे क्रीम है। ऑल्दो हमारे पास 5 टाइप्स की क्रीम है जो आप पूरी डिटेल देख सकते हैं पेज पर। ये हमारी मामरा एलिमेंट डे क्रीम है, जो मामरा एलिमेंट रियली होते हैं उन्हीं को रोज़ वाटर में सोक कर कर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर इस क्रीम में मिक्स करा जाता है अलॉन्ग विद अदर इंग्रेडिएंट्स, इसीलिए ये इतनी इफ़ेक्टिव क्रीम है। आप इसको लेंगे अच्छे से ऐसे लगा के एंड उसके बाद मसाज करिएगा अपनी क्रीम से पूरा ऐसे जाके आपकी स्किन टाइट रहे। ऊपर की साइड आपको मसाज करनी होती है अपनी क्रीम से ऐसे करके, बहुत अच्छे से 2 मिनट्स तक मसाज हो जाती है एंड यू विल लव द टेक्सचर एंड द फ्रेग्रेंस। आप यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। नाइट के लिए हमारे पास सैफ्रन बेस नाइट क्रीम है, एंटी एजिंग रहती है, ये भी पूरा काम करती है आपकी स्किन पर। रात में पूरी स्किन बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाती है। इसका टेक्सचर थोड़ा सा इससे थिक होता है क्योंकि नाइट में हमें रिपेयर स्किन करने की ज़रूरत होती है, जो हमारी स्किन डे भर में डैमेज हुई है या वैसे भी जो स्किन डैमेज है उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है हमारा सनस्क्रीन, जो बहुत बहुत अमेजिंग है गाइस। आप लगाइएगा इसको, आप स्विमिंग करने जाते हो या फिर डांस कोई एक्टिविटीज़ करते हो, जिम करते हो, तब भी लगा के जा सकते हो इस सनस्क्रीन को। एंड एथलीट हो अगर आप बाहर जाते हो तब भी लगा के जा सकते हो। ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा है विद नरिशिंग एजेंट्स, इसमें जरेनियम ऑयल, कैरेट सीड ऑयल, रेड रेसबेरी ऑयल, ये सारी इंग्रेडिएंट्स भी हैं अलॉन्ग विद दी सनस्क्रीन। तो ये नेचुरली सन प्रोटेक्टिंग होता है, बहुत ही अमेजिंग है और ये वाइट कास्ट पे ही छोड़ता है, बिकॉज बहुत सारे सनस्क्रीन से होता है कि वाइट कास्ट आ जाता है। राइट, मैं आपको इसका दिखाती हूँ, ये सनस्क्रीन है, आपको बिल्कुल भी वाइट नहीं होगा इस सनस्क्रीन से। सो ये हमारी USP है प्रोडक्ट की, बिकॉज उसमें इतने सारे नरिशिंग ऑयल डले हुए हैं कि ये आपको वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा। जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड इसमें बहुत ही कम मात्रा में है जो वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा। इसमें हमने नेचुरली सन प्रोटेक्टिंग ऑयल्स डाले हैं। आपको सनस्क्रीन से हो सकता है थोड़ा सा स्वेट आए बिकॉज मौसम ऐसा है, क्योंकि ये एक लेयर फॉर्म करता है टॉप मोस्ट स्किन पर और उसके बाद थोड़ा सा आपको फिर नॉर्मल हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स। बट एक बार जब तक ये लेयर नहीं फॉर्म करता तब तक आपको हल्का सा स्वेट लग सकता है, बिकॉज सनस्क्रीन का नेम असली पता लगना ही वही है, इस चीज़ से पता लगता है। और हमारे पास 5 टाइप के फेस वॉशेज़ हैं। आज मेरे पास अभी एक ही अवेलेबल है, ये टर्मरिक फेस वॉश है जो टैनिंग के लिए काम करता है। ऐसे ही एंटी एक्ने है, चारकोल फेस वॉश है, कुमारी फेस वॉश है, बहुत सारे फेस वॉशेज़ हैं, क्रीम्स हैं, सीरम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जाकर पूरा डिटेल हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। बात करते हैं अगर हम हेयर प्रोडक्ट की, आजकल किस किस को हेयर फॉल नहीं है या फिर बालों में कलर करवा के बैठ जाते हैं, सभी बालों में कलर कराए मिलते हैं या फिर रिबॉन्डिंग स्कूल
कटिंग ये सारी चीज़ें सब कराए हुए मिलते हैं। तो उसके और एक और चीज़, आजकल जो हम वैसे भी नेचुरली ब्लैक करने के लिए भी गार्निएर का कलर या कोई और भी कलर लगा रहे हैं, उससे भी ड्राई एंड फ्रीजी हेयर हो गए हैं, आपके एंड्स इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। सो उसके लिए मेरे पास एक रामबान है जो बहुत ही अमेजिंग है। आप ऑयल लगाइए, ऑयल से आपके हेयर हेल्दी रहेंगे, नरिश्ड रहेंगे एंड आपकी ग्रोथ भी होगी, हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा, डैंड्रफ भी, बिकॉज इसमें 14 टाइप्स के हर्ब्स हैं। और ये ऑयल बिल्कुल ही नॉन स्टिकी है, बिकॉज बहुत सारे ऑयल होते हैं जो स्टिकी होते हैं, चिपचिप करते हैं, ये ऑयल आपको बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगेगा। तो एंड इसमें आमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सिसमे ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, यूकेलिप्टस ऑयल है, टी ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ मैं खुद घर पे बनाती हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम चेक करेंगे मेरा, आपको बनाते हुए वीडियोस भी दिखेगी। रेड अनियन सीड है, ब्लैक अनियन सीड्स हैं जिसको हम कलौंजी बोलते हैं, मेथी दाना है, करी लीव है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद आते हैं शैम्पू एंड कंडीशनर। हमारे पास 3 टाइप के शैम्पू हैं, एक है किड शैम्पू, एक है सिल्क एंड शाइन शैम्पू, एक है केरेटिन शैम्पू। सिल्क एंड शाइन शैम्पू इस फैमिली शैम्पू कोई भी यूज़ कर सकता है, हस्बैंड हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। केरेटिन शैम्पू स्पेशली हेयर ट्रीटमेंट वाले पे जाता है, जिन्होंने कोई ट्रीटमेंट दे रखा है, हेयर का कोई कुछ करा रखा है, केमिकली ट्रीटमेंट, उनके लिए जाता है केरेटिन शैम्पू, केरेटिन कंडीशनर। इसके साथ साथ हमारे पास 500 ml की पैकेजिंग भी अवेलेबल है। फर्स्ट मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप 200 ml लीजिए, वो आपको रिजल्ट दिखेगा, सब चीज़ें हैं, उसके बाद आप 500 ml का पैकेजिंग लीजिए। बिकॉज मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ कि कस्टमर के पैसे वेस्ट हो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पहले आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होइए, उसके बाद आप अपना बल्क ऑर्डर दीजिएगा, राइट। शावर जेल हमारे न्यूली लॉन्च है, फेशियल किट एंड डीटेन स्क्रब एंड पैक, जो बहुत ही अमेजिंग है गाइस। सीरियसली बहुत सारे सलॉन्स में भी जा रहा है, तिलक नगर, रजौरी, द्वारका, बहुत सारे सलॉन्स में हमने टाई अप करा है एंड दे आर गेटिंग वेरी सुपर रिजल्ट। ये 6 स्टेप फेशियल किट है, लग्जरी किट है, सेशे पैकेजिंग में आती है, एंटी एजिंग पॉमीग्रेनेट है, और उसके बाद शुगर केन एंड हनी की है, टमेटो फेशियल है। इसको अगर मैं खोल के दिखाऊँ, ये इसके 2 फेशियल्स ईजीली आपके हो जाएंगे। स्टेप 1 इज क्लेंजर, स्टेप 2 इज स्क्रब, स्टेप 3 इज मसाज जेल, मसाज क्रीम, उसके बाद है आपका फेस पैक। फेस पैक के बाद आपको ये मिलते हैं 2 सेशे ऑफ सीरम। लास्ट में 2 सेशे किस लिए हैं, क्योंकि आपको 2 फेशियल होंगे, यस, इसीलिए ये 2 स्टेप फेशियल है, क्योंकि इसमें 2 फेशियल्स बहुत ईजीली हो जाते हैं। और अगर मैं जिस तरह से यूज़ करती हूँ, मैं वो भी बताना चाहूँगी, मैं क्लेंजर यूज़ करने के बाद डीटेन पैक लगा लेती हूँ, उससे सारी टैनिंग हट जाती है, जो ब्लीच जैसे हम करते थे पहले, बट आजकल डीटेन चल रहा है। तो डीटेन पैक हमारा क्लोव बेस्ड है, लॉन्ग का है ये, इससे आपको ठंडक भी मिलती है एंड बहुत अच्छे से टैनिंग रिमूव करता है। उसके बाद आप स्टेप 2 स्क्रब का करिए एंड बहुत सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स फॉलो करिए, उसके बाद आप ग्लो बताइएगा अपने आप कॉमेंट सेक्शन पर कि कितना अच्छा ग्लो आया है आपके फेस पर। शावर जेल, सारी चीज़ें हैं, पेन रिलीफ ऑयल, आप देखिएगा, डू फॉलो दी पेज, आपको रेनू जी बताएंगे। तो गाइस जल्दी जल्दी जाओ, सबसे पहले पेज को करो फॉलो, उसके बाद पूरा चेकआउट करो आराम से, तसल्ली से बैठ के, उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन आपको आराम से मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है देखो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ना समझ आए तो आप कॉन्टैक्ट करो, मैसेज करो, DM करो, आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आपके लिए ये ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो जल्दी जल्दी जाओ फॉलो करो, फॉलो करोगे तभी सारी चीज़ें आगे पता लगेगी आपको, और DM जरूर करना, फॉलो करना। तो जल्दी जल्दी जाओ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो एंड यूट्यूब पर भी है ना आपका चैनल, यूट्यूब पर भी है, तो मैं भाई यूट्यूब वाला भी लिंक दूंगी, तो यूट्यूब पर भी जाकर सब्सक्राइब करना भाई सबके साथ। थैंक यू। रिगार्डिंग स्किन एंड हेयर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली मेरे को कॉल करो, मैं कॉल उठाऊंगी, आपको बताऊंगी, जैसा रेनू जी ने बोला, कोई भी डाउट हो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, बट फॉलो करो फिर तभी रिजल्ट मिलेंगे। तो गाइस आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, लेकिन फॉलो करना जरूरी है। ऐसे इस व्लॉग का कहते हैं, जैसे कि आपको मतलब स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगे और इनका प्राइस भी इतना रीजनेबल है,
और सच में भाई प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो जिसको भी लेना है भाई आईडी वगैरह सारी मेंशन मिलेगी इंस्टाग्राम पर भी यूट्यूब पर भी, तो जिसको लेना वो ले लेना। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड व्लॉग, तो अभी आपको थोड़ी देर में सेकंड व्लॉग मिलेगा वो भी बहुत मजेदार सा। जैसे कि आप देख सकते हो हम गाड़ी में बैठे हैं तो कहीं जा रहे हैं, तो सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड ये वाला व्लॉग जरूर देखना जो इससे इसके लास्ट वाला व्लॉग आएगा। बाय, थैंक यू। स्वागत तो करेंगे ना जोत चढ़ा के। अरे ते कर लो बस। गीगी आप ये केक की बत्ती ले रहे हैं, मैं चार्ज कर रही हूं। जरा ले ये गरीब कर दिया तू, तेरा भी आ जाएगा सीन सा। टमाटर है तो ऐसे यहां पे मैं टमाटर चॉप किए हैं, यहां पे है सोयाबीन, और यहां पे गाइस मैंने मतलब सारी चीज़ें एक बार ही काटी थी, खा नहीं भाई। तो इसमें आलू भी है, शिमला मिर्च भी है, पत्ता गोभी भी है, और इधर गाइस मटर भी है कुछ, और इधर है दलिया, और इधर मैंने प्याज डाल दिया। तो मैं बना रही हूँ वेजिटेबल दलिया, बनने के बाद दिखाऊंगी गाइस कैसा बना है।